एवरेज नहीं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर क्या होगा, जब आप करंट पास करोगे तो इंडक्टर के अंदर बी जनरेट हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। तो जैसे कैपेसिटर को चार्ज करते थे तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ जाती थी, ऐसे अगर आप इंडक्टर को करंट पास करोगे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और इंडक्टर में अंदर एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। हम एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं इंडक्टर के अंदर एनर्जी कैसे स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इंडक्टर है, इंडक्टर में ये क्या है, पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब इंडक्टर के अंदर जो भी ई है इंटू आई उसका मल्टीप्लीकेशन डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब प्रॉब्लम क्या है, ई फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी होता है मैग्नीट्यूड में इंडक्टर में, और डी टी और डी टी कैंसिल, तो डी डब्ल्यू आ गया। अब आप सोचेंगे डी डब्ल्यू किस चीज़ का है, देखो वर्क डन करना पड़ेगा, इंडक्टर इतनी आसानी से मानता ही नहीं है। इंडक्टर में जब आप करंट को चेंज करोगे तो इंडक्टर क्या पैदा करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और आप जबरदस्ती और करंट पास करना चाहते हो और ओवरकम भी करना चाहते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको फिर मिलेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क डन, ताकि करंट को मेंटेन किया जा सके, नहीं तो इंडक्टर तो उड़ा ही देगा आपके इंक्रीजिंग करंट को। तो ऐसे केस में इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा ताकि करंट चेंज कितना हो जाए डी आई, और टोटल आई अगर अमाउंट ऑफ करंट पास करना है तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी दोनों साइड्स की। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, इंटीग्रेट करो, मान लो आपने आई नॉट करंट पास किया तो आई डी आई की इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर बाई टू, तो आंसर आ गया हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। अब जरूरी नहीं कि आई नॉट करंट लें, आई करंट ले लो तो एनर्जी या वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला नोट करो, इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। आई चेंज होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी।